तो दोस्तों सबसे पहले आप सबको यहाँ पर जो है वह गूगल को ओपन कर लेना। गूगल पर ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च कर लेना है NVS। तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ NVS। सर्च करने के बाद यहाँ पर NVS सर्च हो रहा है। तो सर्च होने के बाद जो है यहाँ पर आप सबके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो ये वेबसाइट है नवोदय विद्यालय समिति, इस वेबसाइट पर क्लिक कर लेंगे। तो इस वेबसाइट पर मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो है वह एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। तो ये सर जो है आप सबके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सबको सबसे पहले देखने को मिल रहा होगा ये वाला सीट था। सबसे पहले जो यहाँ इन्फॉर्मेशन था कोई भी, ये वाला इन्फॉर्मेशन आपको दिखा रहा था, लेकिन जो है वो यहाँ पर अभी अपडेट आया है और ये अपडेट आप सबको देखने को मिल रहा है। देखते हैं इस अपडेट पर क्या लिखा हुआ है। क्लिक हेयर टू सबमिट ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास सिक्स जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2022। द लास्ट डेट ऑफ अप्लाई 30/11/2021। मतलब यहाँ पर जो है वह क्लास सिक्स के लिए यहाँ पर फॉर्म जो है वह 2022 का निकल चुका है और ये इसका लास्ट डेट है 30 नवंबर जो है वो हमारा लास्ट डेट रहेगा। चलिए इस पर के जो ब्लू रंग के आप लोगों को देख रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। तो ब्लू वाली लाइन पर क्लिक कर लेते हैं। तो क्लिक करने के बाद आप सबके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सबको देखने को मिल रहा होगा कैंडिडेट कॉर्नर। तो यहाँ पर आप सबको देखने को मिलेगा क्लिक हेयर टू क्लास सिक्स रजिस्ट्रेशन। तो इस पर क्लिक कर लेंगे। तो इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद जो है ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सबको देखने को मिल रहा होगा कक्षा 6 में प्रवेश है तो ऑनलाइन आवेदन 2022-23 के लिए, और यहाँ पर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिल रहा है। तो हम लोग नीचे स्क्रॉल करते हुए जाते हैं तो यहाँ पर आप सबको देखने को मिल रहा होगा सर्टिफिकेट टू बी अपलोड। यहाँ पर जो है क्लिक है टू डाउनलोड, इसको आप लोग क्लिक करना है। इस जो सर्टिफिकेट है इसको डाउनलोड कर लेना, तभी आपका फॉर्म जो है अप्लाई होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक है टू डाउनलोड पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। लेकिन डाउनलोड होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो ये जो है हमारा ये सर्टिफिकेट है। इस सर्टिफिकेट को आपको प्रिंट करवा लेना है और प्रिंट करवा कर इसको पूरी तरह अच्छी तरह से जो है आपको फिल कर लेना है। इसको फिल करने के बाद जो है इसको आप लोग को रख लेना है। इसका जो है एप्लीकेशन जब आप लोग फॉर्म को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तब इसका जो है यूज ही होगा। तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं और यहाँ पर जो है इसका पूरी तरह अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पर फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों फिर हम लोग यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है ये इन्फॉर्मेशन, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पर थोड़ा नीचे हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। तो यहाँ पर वही चीज़ जो है ऊपर वहाँ पर भी यहाँ पर दिया हुआ है, अपलोड करने के लिए प्रमाण पत्र जो मैंने ऊपर डाउनलोड किया था वही यहाँ पर हिंदी में है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर नोटिफिकेशन है। तो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का केवल एक ही चरण है, यहाँ पर ध्यान रखना है। अन्य पिछड़ा वर्ग अभी अभ्यर्थियों को आरक्षक केवल केंद्रीय सूची, तो यहाँ पर कुछ दिया हुआ है आप सबको, इसको भी पढ़ लेना है। और यहाँ पर जो आपका हस्ताक्षर है, जो भी यहाँ पर स्टूडेंट अप्लाई करेंगे फॉर्म उनका हस्ताक्षर जो है वह 10 से 100 के बीच के बीच रहना चाहिए, इसका आप लोग को ध्यान रखना है। और अभिभावक का जो है उनके पेरेंट्स का जो हस्ताक्षर रहेगा उसका इमेज का जो आकार है वह साइज 10 से 100 के बीच वो भी होना चाहिए। और यहाँ पर जो स्टूडेंट का जो फोटो यहाँ पर लगेगा उसको भी जो है वह 10 से 100 के बीच रहना चाहिए। यहाँ पर आपको ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई होगा। अभिभावक तथा अभ्यर्थी द्वारा हस्तांतरित प्रमाण पत्र जो है वह यहाँ पर आपका रहना चाहिए 50 से 300 के बीच रहना चाहिए, इसका आप लोग को ध्यान रखना है। फिर हम लोग यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे जाते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा उस राज्य का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। तो यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर जो सिलेक्ट लिखा हुआ है इस सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो और आपको यहाँ पर चूज कर लेना है आप क्लास 5 में जिस स्टेट से आप लोग यहाँ पर जो है वह पढ़ रहे थे उसका यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर देखिए ओपन हो रहा, तो यहाँ पर ओपन हुआ है। तो मैं यहाँ पर बिहार चूज कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करते हुए नीचे जाता हूँ। तो वही जो चीज़ पूछाई गई उस जिले का चयन करें जिसमें जो आप लोग क्लास 5 में पढ़ रहे थे। यहाँ पर मैं यहाँ पर जो क्लिक करके यहाँ पर कैमूर को यहाँ पर चूज कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर आता है उस ब्लॉक का चयन करें जिसमें जो है क्लास 5 का आप लोग पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर आपको ब्लॉक यहाँ पर चूज कर लेना है। तो ब्लॉक को चूज कर लेंगे और उस विद्यालय का आप जिस विद्यालय में आप लोग क्लास 5 में पढ़ रहे थे उसका यहाँ पर नेम जो है आपको फिल करना है। तो इस वाले बॉक्स में आपको नेम फिल कर लेना है। फिर स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नेम ऑफ द कैंडिडेट, उम्मीदवार का नाम। तो यहाँ पर जो है जो भी स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उनका यहाँ पर नाम लिख लेना है। फिर उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख लेंगे और उनका जो डेट ऑफ बर्थ है, जन्म की तारीख में यहाँ पर जो है फिल कर लेंगे। और अपना यहाँ पर ईमेल आईडी भी उनको लगेगा यहाँ पर फिल करने में। उनका मदर नेम, माता का नाम भी यहाँ पर फिल कर लेना है और यहाँ पर फादर का भी नेम फिल कर लेना है। फिर यहाँ पर आता है नेम ऑफ गार्जियन, यहाँ पर गार्जियन का नाम यहाँ पर फिर से लिख देंगे। और यहाँ पर जो है रिलेशन विथ गार्जियन भी यहाँ पर अभिभावक के साथ संबंध यहाँ पर लिख लेंगे। फिर यहाँ पर जो है आप लोग किस देश में रहना है, यहाँ पर आप लोग इंडियन में हैं तो इंडिया चूज कर लेंगे। एंड
आपके पास पहचान चित्र जो पहचान चिन्ह है वह यहाँ पर लिख लेंगे। फिर अपना जो है वह जेंडर यहाँ पर चूज कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर गर्ल हैं तो गर्ल को चूज कर लेंगे यहाँ पर, तो अगर गर्ल हैं तो आप फीमेल को चूज कर लेंगे, और यहाँ पर अगर आप बॉय हैं तो मेल को चूज कर लेंगे। अगर आप जो अपने कैटेगरी को भी यहाँ पर जो है आप लोग चूज कर लीजिएगा। जैसा कि यहाँ पर मैं इस पर प्लीज सिलेक्ट पर क्लिक करता हूँ तो आप सबके सामने तीन कैटेगरी यहाँ पर जो है वह ओपन हो जाएगा। तो फर्स्ट में OBC, सेकेंड में सो यहाँ पर फोर निकल कर आ जाएगा था, और थर्ड में ST, और यहाँ पर फोर्थ में OBC। तो जो भी आप कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हो आप उस कैटेगरी को चूज कर लेंगे। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा परीक्षा का माध्यम। तो जिस आप लोग मीडियम से परीक्षा देना चाहते हैं तो उस मीडियम से आप लोग यहाँ पर चूज कर लेंगे। अगर आप लोग इंग्लिश से देना चाहते हैं तो इंग्लिश चूज कर लेंगे, हिंदी से देना चाहते हैं हिंदी को चूज कर लेंगे, और उर्दू से देना चाहते हैं तो आप उर्दू को चूज कर लेंगे। फिर यहाँ पर अगर आप लोग विकलांग हो तो यहाँ पर जो है चूज कर लेते हैं। अगर आप लोग विकलांग है तो चूज कर लीजिएगा, नहीं है तो नॉन पे ही रहने दीजिएगा। फिर उसके बाद जो नीचे आना है, और यहाँ पर आपको कितना परसेंटेज विकलांगता का वहाँ पर आप लोग को धर्म आपको फिल कर देना है। फिर यहाँ पर अपना धर्म को भी चूज कर लेना है, और यहाँ पर जो है यदि अन्य कृपया धर्म यहाँ पर लिख लेना है आपको। फिर अपना आधार नंबर भी यहाँ पर लिख लेंगे, अपना आधार नंबर यहाँ पर लिख लेंगे, और यहाँ पर जो है माता पिता का वार्षिक आय यहाँ पर जो है वह फिल कर देना है आपको। फिर स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, तो स्क्रॉल करते हुए क्या करना है आप सबको, नीचे आना है और यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल रहा होगा सेलेक्ट यहाँ पर आवासीय राज्य का चयन करें, मतलब कि अपने राज्य यहाँ पर चयन कर लेंगे, अपना जिला यहाँ पर जो है चूज कर लेंगे, और यहाँ पर अपना ब्लॉक चूज कर लेंगे, और यहाँ पर जो भी आपका पिन कोड है वहाँ पर आप लोग को लिख लेंगे। पिन कोड यहाँ पर ST कोड STD कोड लिख देंगे, और अपना टेलीफोन यहाँ पर लिख देंगे। फिर यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो प्रीवियस स्कूल डिटेल, पिछला स्कूल विवरण, मतलब कि आप थर्ड क्लास में किस स्टेट से पढ़ रहे थे, आपका जो है वह क्या, और जिला का नाम यहाँ पर, ब्लॉक का नाम, गाँव का नाम यहाँ पर पूछेगा, स्कूल का नाम पूछेगा, जिस स्कूल से 3 से लेकर 4-5 तक के बीच मान्यता प्राप्त आपको कितना हुआ ये सब पूछेगा। तो इसमें आपको फिल करना है, और स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। यहाँ पर आप सबको देखने को मिला, जैसे कि मैंने आप सबको बताया तो ऊपर की जो है 10 से 100 के बीच लगेगा आपका जो है इमेज। यहाँ पर क्या पूछ रहा, अपलोड कैंडिडेट फोटो, मतलब कि जो भी यहाँ पर स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उनका यहाँ पर फोटो लगेगा। तो चूज फाइल पर क्लिक कर आपको अपना फोटो चूज कर ले आपको अपना फोटो चूज कर लेना है। फिर यहाँ पर जो है जो भी स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म को उनका जो है यहाँ पर सिग्नेचर लगेगा, तो वैसा ही जैसे फोटो में आप लोग को चूज करना था उसमें भी चूज कर लेंगे। और यहाँ पर जो है अपलोड पेरेंट्स सिग्नेचर, तो यहाँ पर जो है वह अपने पेरेंट्स का सिग्नेचर को चूज कर लेना है। फिर अपलोड सर्टिफिकेट को यहाँ पर जो ऊपर मैंने आप सबको सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर दिखाया था उसको आपको प्रिंट कर निकलवा लेना है, और उसको जो है अच्छे तरह से फिल करना है, और उसका इमेज लेकर जो है आपको इसमें जो है वही चीज़ इसको यहाँ पर मांग रहा है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है आप सबको कि अपलोड सर्टिफिकेट, तो वहाँ पर जो है आपको चूज फाइल पर क्लिक कर आपको चूज कर लेना है जो भी सर्टिफिकेट आप लोग ऊपर भरे थे। और जब सब यहाँ पर आपका भरा जाएगा तो यहाँ पर सबमिट और प्रीव्यू पर जमा करें पर क्लिक करेंगे। जब सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है वह रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, और जो भी यहाँ पर जो भी फिल किए हैं आप लोग उस सब आपको जो है वह पेपर के फॉर्म में मिलेगा। और मैं आपसे बताता हूँ कि आप जो है वह आपको कैसे प्रिंट करना है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको फॉर्म को जब अप्लाई करने के लिए इस पर क्लिक किया था, अब प्रिंट करने के लिए जो है वह कैसे, अगर आपका फॉर्म भर दिए और आप प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए जो है आपको इस पर क्लिक करना होगा, क्लिक हेयर टू प्रिंट रजिस्ट्रेशन, तो इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों ऐसा इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर लिखेगा स्टूडेंट और लॉगिन, तो जो भी आपको जो आप लोग रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर दिए हो, आपका फॉर्म अप्लाई हो गया हो, तो आपको जो है वह रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर फिल करना है, और अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ आप लोग दिए हों फॉर्म को भरते वक्त यहाँ पर फिल कर लेंगे। और नीचे हम लोग स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर जो कैप्चा मिल रहा इस कैप्चा को जो है वह इस पर फिल कर लेना। और फिल करने के बाद यहाँ पर पूछा क्या है, कैप्चा पे पूछा है कि 30+19 जो है वह क्या होगा। अगर आप लोग बता देंगे और बता कर इस पर लिख देंगे और यहाँ पर जो है साइन इन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो आपके लिए जो है वह प्रिंट का ऑप्शन जो है वह ओपन हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग को क्या करना है, फॉर्म को अप्लाई करना है। तो उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के यहाँ, और इसी तरह वीडियो बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आप लोग चाहते हो कि जो है मैं आप सबको प्रिंट भी करके दिखाऊं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आप सबको प्रिंट करके चाहिए कि अच्छे तरीके से कैसे फॉर्म भरें। तो प्रिंट अगर आप लोग को चाहिए कि प्रिंट कैसे करना है अच्छे तरीके से, और यहाँ पर सबमिट करना है कैसे, तो वीडियो को अगर आप लोग कमेंट जरूर पूछिएगा, और इस वीडियो पाने का चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे।